ये रही हमारी रोड साइड पर बिकने वाली टेंगी और काफी स्पाइसी आलू मटर की सब्जी, और ये रही इसके साथ की पूड़ियाँ जो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हैं, बिल्कुल पानी पूरी की तरीके से, क्योंकि मैंने इसे उसी तरीके से बनाया है जिस तरीके से रोड साइड पर बनाते हैं। अब मैं एक पूड़ी आपको तोड़कर दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, अब इसकी आवाज सुनिएगा, बिल्कुल आपको लग रही होगी चूर चूर नान की तरीके से। अरे ये काफी क्रिस्पी है, और खास बात यह कि नहीं, आप चाहे आधे घंटे रखिएगा या एक घंटे, ऐसी ही फूली रहेंगी। बस इसमें कुछ मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जिसकी वजह से ये पूड़ियाँ काफ़ी क्रिस्पी हैं और इसी तरीके से फूली फूली भी निकलेंगी। बस कुछ इसमें ट्रिक है जो हलवाई वाले यूज करते हैं, तभी उनकी पूड़ियाँ एकदम से फूली होती हैं और काफ़ी स्वादिष्ट लगती हैं। और उनकी जो सब्जी है वो भी घर की सब्जी से काफ़ी हटकी होती है, क्योंकि वो उसमें डालते हैं थोड़े से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। मुझे उम्मीद है कि अब आप बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि रोड साइड पर बिकने वाली सब्जी और पूड़ी इतनी स्वादिष्ट क्यों लगती है, और क्यों उनकी पूड़ियाँ घर की पूड़ियों से थोड़ी सी हटके बनती है, और सब्जी भी उनकी थोड़ी सी अलग क्यों होती है। तो रोड साइड पर बिकने वाले सारे के सारे सीक्रेट आज इस रेसिपी में बताने वाले हैं, तो जमकर बैठे रहिएगा और घर पर भी इस तरीके से बनाइएगा। अगर आपका होटल या ढाबा है तो भी आप वहाँ पर ये बना सकते हैं। फिलहाल बिना देरी किए हुए रोड साइड पर बिकने वाली ये स्वादिष्ट रेसिपी बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम अदरक कूटदान लेंगे और इसमें कूटेंगे अदरक। मैंने यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 इंच जितना अदरक लिया है, अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा कर रखें। इस तरीके से बस हमें कूट लेना है। अब अदरक कूट के रेडी है, तो फिर से ले लेते हैं कूटदान, और अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च। यहाँ पर हम हरी मिर्च की क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ा कर रखेंगे, तो लगभग 10 से 11 हरी मिर्च लेंगे। इन्हें भी हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे। अब हरी मिर्च और अदरक दोनों ही कूट चुके हैं, तो अब ले लेते हैं एक हम कढ़ाई, और इसमें डालेंगे रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, तो एक बड़ा चम्मच डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डालेंगे हम जीरा आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, इसी के साथ कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। अब इन्हें हम भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 मिनट बहुत है। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अदरक और हरी मिर्च थोड़ी सी भुन चुकी है, तो अब इसमें डालेंगे हम हींग। हींग की भी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाकर रखेंगे। इसी के साथ लाल मिर्च लगभग 1 टेबल स्पून जितना, लाल मिर्च की भी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाकर रखें। इसी के साथ आधा टेबल स्पून जितनी हल्दी, इसी के साथ 1 टेबल स्पून जितनी पिसी हुई धनिया, और अब इन्हें हम थोड़ा सा भूनेंगे। बस अब इसमें डाल देंगे हम आलू, बहुत ज़्यादा देर मसाले नहीं भूनने हैं, नहीं तो मसाले जलने लगेंगे, तो तुरंत आप आलू डाल दें। अब आलू को मसाले के साथ तुरंत मिला लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। और अब डाल देंगे इसमें हम मटर, मैंने यहाँ पर ऐसी मटर ली है, इसे उबाला नहीं है। और अब डालेंगे इसमें हम टमाटर, मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उसे इस तरीके से काट लिया था। इसी के साथ अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला लगभग 3/4 टेबल स्पून जितना, तो गरम मसाला भी आप सही क्वांटिटी में डालें, मैं बाद में और भी डालूंगा, इसीलिए यहाँ 3/4 टेबल स्पून बहुत है। और अब डालेंगे इसमें हम नमक, नमक स्वाद के अनुसार रखें, मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 टेबल स्पून जितना डाला है। और अब इन सभी को हम फिर से मिला लेते हैं, और अब डालेंगे इसमें हम पानी, पानी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाकर रखें, और अब इसको ढककर अच्छी तरीके से पकाएंगे। मैं यहाँ पर लगभग 6 से 7 मिनट पकाऊंगा, 7 मिनट हो चुका है, तो अब इसे हम खोलकर चेक कर लेते हैं। और अब डालेंगे इसके अंदर हम वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से इसका स्वाद बिल्कुल रोड साइड जैसा आएगा, यानी कि आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून जितना। जी हाँ, यहाँ पर आमचूर पाउडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करें। अगर मिस करेंगे तो फिर आपकी सब्जी का स्वाद वैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा जैसा आप चाहते हैं, तो मिस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब डालेंगे इसमें हम चॉप की हुई धनिया लगभग 1 कप जितनी। लीजिए, सब्जी तो हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा गर्म मसाला, बस अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो लगभग मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून जितना गर्म मसाला और डाला होगा। अब सब्जी बन चुकी है, ठंडी होगी तो हल्का सा तेल और आ जाएगा। फिलहाल अब चलते हैं अपनी पूड़ी की तरफ। तो अब यहाँ पर ले लेंगे एक हम बड़ी सी कटोरी, और इसमें डालेंगे हम 3 टेबल स्पून जितना बेसन, और अब डालेंगे इसमें नमक, और इसी के साथ डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, यानी कि मैंने यहाँ पर डाला हुआ भुना हुआ जीरा और सौंफ, और उसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था, बस इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इस तरीके से कम पानी डालते हुए इसका हम डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका डो बहुत ही ज़्यादा सख्त और बहुत ही ज़्यादा ढीला नहीं रखना है, मीडियम साइज में रखना है। जिस तरीके से हम रोटी का आटा गूंथते हैं बस वैसा रखना है। अब बराबर बनके तैयार है, ये पूड़ियों को काफ़ी स्वादिष्ट बनाएगा। तो बराबर रख देते हैं एक साइड और लगा लेते हैं पूड़ियों का आटा। तो इसके लिए लेंगे एक बड़ा सा बर्तन, इसी के साथ इसमें डालेंगे हम गेहूं का आटा लगभग 2 कप या 150 ग्राम जितना। इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम सूजी यानी कि रवा लगभग 30 ग्राम या 3 चम्मच जितनी। और अब डालेंगे इसमें हम अजवाइन लगभग 1/2 टेबल स्पून जितना, क्रश करके इसे डाल लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर डालेंगे 3 टेबल स्पून जितना रिफाइंड ऑयल, या आप 2 टेबल स्पून जितना इसमें घी भी डाल सकते हैं। और अब इसको हम अच्छी तरीके से हाथों से मिला लेंगे।
बस यही ट्रिक वो करते हैं जिसकी वजह से उनकी पूड़ियाँ काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं, क्रिस्पी बनती हैं, और ख़ास बात यह है कि एक एक पूड़ी फूलती है। और अब इसका हम एक सख्त डो तैयार करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका डो बहुत ही ज़्यादा हमें सख्त रखना है, यानी कि हार्ड रखना है। जितना डो आपका सख्त होगा उतनी ही पूड़ियाँ आपकी फूलेंगी, स्वादिष्ट बनेंगी और बहुत कम तेल भी पियेंगी। तो बहुत सारे फायदे हैं जब आप पूड़ियों के लिए सख्त डो तैयार करते हैं। तो बस इसका हमें एक सख्त डो तैयार कर लेना है, ढीला बिल्कुल नहीं। अब डो तो हमारा गुथ चुका है, देखिएगा मैं हाथों से दिखा देता हूँ कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। बस इसी तरीके का हमें डो गूंथना है। अब पूड़ी के लिए डो गुथ चुका है, तो देख लेते हैं सब्जी का क्या हाल है। लीजिएगा सब्जी पे तो हल्का सा तेल आ चुका है, तो इसे रख देंगे अब हम एक साइड। और अब गैस पर रख देंगे रिफाइंड सोयाबीन भरी हुई कढ़ाई और इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। जब तक तेल अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है तब तक हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो लेंगे हम थोड़ा सा डो और इस तरीके से इसे मसलते हुए एक सा कर लेंगे। और अब इसकी हम लोइयाँ काटेंगे। आप पूड़ी अपने हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी, पर यहाँ पर ध्यान रखें पूड़ी थोड़ी सी मोटी रहेगी, जो आप सामान्यतः घर पे बनाते हैं उससे लगभग डबल। अब इसी तरीके से हम एक एक करके सारी की सारी लोइयाँ काट लेते हैं। अब इन्हें यहाँ रखने के बजाय कटोरी में डाल लेते हैं। और अब इस तरीके से एक हम लोई लेंगे और इस तरीके से फैला लेंगे। और अब इसके अंदर हम अंगूठे की सहायता से थोड़ी सी जगह बना लेंगे। और अब भर देंगे इसमें जो मैंने भरावन तैयार किया था बेसन का उसको, और इस तरीके से अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे। और अब इसको इस तरीके से अब हाथों से थोड़ा सा दबा लेंगे। बस इसी तरीके से हम दूसरी भी भर लेंगे। अब हमने सारी की सारी पूड़ियाँ भर ली हैं, तो अब इन्हें हम बेल लेते हैं। बेलने में यहाँ पर हमको बिल्कुल भी सूखा आटा नहीं लगाना है, इससे क्या है तेल भी ख़राब नहीं होगा और पूड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी सिकेंगी। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और अब इसको हम बेलन की सहायता से अच्छी तरीके से बेल लेते हैं। पूड़ी आप अपने आकार के हिसाब से रख सकते हैं, गोल या थोड़ी सी लंबी, जैसी भी आप चाहें वैसी पूड़ी बेलिएगा। अब इसे भी हम बेल लेते हैं, ये बिल्कुल गोल बेल चुकी है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको इसकी मोटाई भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा इतनी मोटी हमें पूड़ी रखनी है। तो पूड़ी को पतला ना बेलें, थोड़ा सा मोटा बेलें, तभी ये काफ़ी स्वादिष्ट लगेंगी। लीजिएगा पूड़ी तो हमारी बिल्कुल तैयार है। बस इस तरीके से मैं हाथों पर ले लेता हूँ और अब इसको हम तेल में सेकेंगे। तो चलते हैं तेल की तरफ। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे हम पूड़ी। अब पूड़ी अपने आप ऊपर आएगी और देखना अपने आप ही फूलेगी, आपको कुछ नहीं करना है, एक भी पूड़ी बिना फूले नहीं रहेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ये देखिएगा फूल गई। अब इसी तरीके से हम दूसरी पूड़ी भी डाल लेते हैं। ये भी देखिएगा ऊपर आ चुकी है और एकदम से फूली हुई है। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं चेंज कर रहा हूँ, आपको एक एक पूड़ी दिखा रहा हूँ, कोई भी पूड़ी बिना फूले बिल्कुल नहीं रहेगी। बस यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक, गैस की फ्लेम हाई होनी चाहिए, यानी कि मीडियम टू हाई होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारा इसका डो है वो काफ़ी सख्त होना चाहिए, जितना सख्त गुथेगा उतनी ही पूड़ियाँ अच्छी सिकेंगी और एक एक पूड़ी फूलेगी। तीसरा, जब भी आप पूड़ी बेलें तो थोड़ी सी मोटी बेलें। चौथा, कि इसमें आपको सूखा आटा बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ आपको इसे तेल के साथ ही बेलना है, आसानी से बेलेंगी। फिलहाल मैं सारी की सारी पूड़ी सेंक लेता हूँ। और इन पूड़ियों की एक खासियत और है कि ये पिचकेंगी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा और ये पूड़ियाँ पिचक जाएँ, बिल्कुल ये पानी पूड़ी की तरीके से हैं, तो इन पूड़ियों को पिचकने में भी काफ़ी समय लगेगा। बस इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, पानी पूड़ी थोड़ी सी पतली बनती हैं और छोटी बनती हैं। आपको देखने से भी लग रहा होगा कि बस उसी तरीके से सिकी हुई हैं। लीजिएगा पूड़ियाँ तो हमारी सिक कर तैयार हैं। बस इसी तरीके से रोड साइड पर बनाते हैं आलू मटर की एकदम से स्पाइसी और टेंगी सब्जी, और उसी के साथ इस तरीके की बनाते हैं पूड़ियाँ, तभी ये पूड़ियाँ और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस संडे को या जब भी छुट्टी होगी आप इस तरीके की पूड़ी और सब्जी जरूर बनाएंगे। जब बनाएं तो अपना फीडबैक हमें जरूर दें, और स्वाद मार्केट जैसा आए तो जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, और उसके बगल का जो घंटा यानी कि बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू।